सो लोग गाइस कैसे हो आप लोग, काफी बड़े हो तो गाइस आगे ही बढ़े रहे। तो गाइस क्या आप भी फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हो? और गाइस अभी आपका वहां पर स्पेशल एयरड्रॉप या तो गाइस कोई भी आया हुआ है, जैसे कि आप डायमंड परचेस करना चाहते हो तो गाइस आपको वहां पर जैसे एक प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट इनवैलिड कुछ टाइप का मैसेज होता है। आप डायमंड परचेस करने जाते हो या तो गाइस स्पेशल एयरड्रॉप परचेस करने जाते हो तो गाइस आप कैसे परचेस कर सकते हो, आज का वीडियो बताऊंगा। काफी बड़ी वीडियो होने वाला है। और गाइस हां, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस चलो मैं वेस्ट करते हैं, गेम की तरफ बढ़ते हैं और गाइस जानते हैं कि ये जो भी पेमेंट इनबिल्ट प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप डायमंड को परचेस कर सकते हो, कैसे आपने आईडी पर डायमंड ले सकते हो, कोई भी स्पेशल एयरड्रॉप आया हो या तो गाइस आप डायमंड जैसे 100 रुपीज का डायमंड लेने के लिए कोशिश कर रहे हो तो गाइस आपको वहां पर पेमेंट इनबिल्ट कुछ टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे फिक्स आउट करके कैसे आप जैसे कि अपना फ्री फायर मैक्स पर डायमंड परचेस कर सकते हो। तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बस क्या आपका भी यहाँ पर फ्री फायर मैक्स पर कोई भी टॉप अप नहीं होता है, पेमेंट इनबिल्ट कुछ टाइप का मैसेज शो होता रहता है तो गाइस कैसे आप इसको फिक्स आउट कैसे सॉल्व कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्री फायर मैक्स ओपन हो चुका है तो गाइस यहाँ पर मेरा अभी कोई भी स्पेशल एड्रॉप नहीं आया है तो गाइस यहाँ पर मैं कोई भी डायमंड परचेस करने की कोशिश करता हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरा फटाक से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं डायमंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और गाइस यहाँ पर मैं 240 को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस मैं ओके कर देता हूँ। फिर से गाइस यहाँ पर आप देखना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को UPI एड पेमेंट वॉलेट नेट बैंकिंग रिडीम कोड, जैसे कि यहाँ से मैं पे करके जैसे कि पैसा को पे करके यहाँ पर डायमंड परचेस कर सकता हूँ। लेकिन आपको वहाँ पर पेमेंट इनबिल्ट डायरेक्ट मैसेज शो हो जाता है और गाइस आप वहाँ पर कोई भी डायमंड या तो गाइस स्पेशल एड्रॉप परचेस नहीं कर पाते हो। तो गाइस आपको कैसे डायमंड या तो गाइस स्पेशल एड्रॉप परचेस करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करना है अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, गेम के जो भी सेटिंग है उस पर जाना है और गाइस यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा ब्राउजर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो उसके साइड में क्लियर किया जाए, उसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉन्फर्म करना है। फिर से गाइस यहाँ पर आपको रिपोर्ट नेटवर्क इशू तो गाइस यहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो गाइस आपका काम खत्म। और गाइस अभी आपको गेम से बैक आना है और गाइस बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन क्लोज ऑल कर देना है कुछ इस तरह। और गाइस कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है अपना जो भी फ्लाइट मोड है उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस कुछ इतना करने के बाद आपको एक सेटिंग करना होगा तो गाइस अपना फोन का सेटिंग पर जाना है। तो गाइस यहाँ पर आपका जैसे कुछ तरह सेटिंग ओपन हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है ऐप्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को ऐप्स मिल चुका है। आपको वहाँ पर ऐप्स मैनेज ऐप ऐप लिस्ट कोई भी मिल सकता है तो गाइस आपको वहाँ पर कोई भी ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है तो गाइस आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा उसके ऊपर जाना है। और गाइस जाने के बाद AWPS कुछ तरह सर्च कर देना है तो गाइस ऐप का सेटिंग मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है अपना फ्री फायर मैक्स, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ्री फायर मैक्स को पता कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स नहीं मिलता है तो गाइस ऊपर आपको यहाँ पर सर्च बार मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इधर फ्री फायर लिख देना तो गाइस यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स शो हो जाएगा। तो गाइस आपको फ्री फायर मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स होगा तो गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज मिलेगा कोई भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टोरेज है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डाटा क्लियर कैचेस। तो गाइस आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, आपको यहाँ पर ओनली क्लियर कैचेस करना है। आप क्लियर डाटा गलती से भी करते हो तो गाइस आपका आईडी लॉग आउट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्लियर कैचेस करना है। कुछ इतना करने के बाद अपना सेटिंग को क्लोज ऑल कर देना है, यहाँ पर अपना बैकग्राउंड से हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी साइड का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर तो गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद अपना फिर से यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन देखना है, मोबाइल डाटा वाईफाई आप जो भी यूज करते हो तो गाइस वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। आप वाईफाई यूज करते हो तो गाइस कनेक्ट करके रखना और गाइस यहाँ पर अपना मोबाइल डाटा यूज करते हो तो गाइस डाटा ऑन करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फ्री फायर मैक्स पर जाके आप कोई भी जैसे कि डायमंड या तो गाइस स्पेशल एड्रॉप परचेस करने की कोशिश करते हो तो गाइस आपको वहाँ पर परचेस हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर अपने फ्री फायर मैक्स पर जाके आप डायमंड या तो गाइस स्पेशल एड्रॉप को परचेस करने की कोशिश करते हो तो गाइस आपको हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।